फ्रेंड्स, देश भर में लॉकडाउन के चलते लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोग जो घर से काम कर सकते हैं वो इन दिनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। घर पर दिन भर बैठे रहने, काम करने या टाइम पास करने से एक समस्या इन दिनों काफी बढ़ गई है और वो है ओवर ईटिंग, यानी जरूरत से ज्यादा खाने की समस्या। ये बात सच है कि जब आपके पास कोई काम नहीं होता है तो आपको ज्यादा भूख लगती है, मगर वैज्ञानिक सत्य तो यही है ना कि जब आप घर पर बैठे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे समय में आपके शरीर को कम ऊर्जा यानी कम खाने की जरूरत पड़ती है। अब इन परिस्थितियों में अगर आप बार बार भूख लगने के चक्कर में ज्यादा खा रहे हैं तो इसका सीधा असर आपके शरीर की चर्बी पर दिखेगा। यही कारण है कि अगर आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये 21 दिन का लॉकडाउन आपको मोटा बना देगा और आपको भविष्य में कई बीमारियों का शिकार होने की संभावना बढ़ जाएगी। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं लॉकडाउन के कारण घर में बैठे बैठे लगने लगी है ज्यादा भूख, तो करें ये 5 काम, नहीं होंगे ओवर ईटिंग का शिकार, और जो आपको वजन घटाने और स्वस्थ रहने में भी मदद करेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो नंबर 1, एक रूटीन है जरूरी। फ्रेंड्स, जिस तरह ऑफिस या काम के दिनों में आपने अपने खाने पीने का टाइम फिक्स कर रखा था, वैसे ही रूटीन आपको घर पर बनाना चाहिए। सिर्फ खाने ही नहीं बल्कि सोने, लेटने और बैठने का भी टाइम फिक्स कीजिए। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो तो अपने कामों में व्यस्त रह सकते हैं, मगर जो लोग खाली बैठे हैं और जिनके पास कोई काम नहीं है उन्हें इस दौरान ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने इन दिनों चाय कॉफी का सेवन ज्यादा शुरू कर दिया है। चाय और कॉफी में कैफीन होता है जिसकी ज्यादा मात्रा आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए खाने पीने, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि सभी चीजों की लिमिट तय करें। बस एक चीज है जिसे आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं और वो है पानी। पानी आपका पेट भी फुल रखेगा और आपको ओवर ईटिंग से बचाएगा। फ्रेंड्स, नंबर 2, ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी करें। भले ही आजकल आप दिन भर घर में रहते हैं और आपको कहीं जाना नहीं होता है, फिर भी आपको दिन का पहला नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी करना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आप पोहा, चीला, ऑमलेट, ब्रेड, बटर, डोसा, इडली, उत्पम, अप्पम, पराठा, जूस, स्प्राउट्स, फल आदि चीजें ले सकते हैं। जब आप हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपकी भूख काफी देर तक के लिए शांत हो जाती है। इसके बाद आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहेंगे तो आपको क्रेविंग भी नहीं होगी। फ्रेंड्स, स्नैक्स खाना है तो लाइट स्नैक्स खाएं। अगर तमाम प्रयासों के बाद भी आपसे भूख कंट्रोल नहीं होती है और आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं तो कम से कम ऐसी व्यवस्था करें कि आप अनहेल्दी चीजें ना खाएं। अनहेल्दी चीजें आपका वजन तो बढ़ाएंगी ही, साथ ही भविष्य में आपको कई गंभीर बीमारियों का शिकार भी बना सकती हैं। इसलिए अपने घर में स्नैकिंग के कुछ हेल्दी विकल्प रखें और स्नैक्स की क्रेविंग होने पर इन्हें ही खाएं। आप खा सकते हैं भुने चने, रोस्टेड मखाना, बिना नमक वाले नट्स, स्वीट कॉर्न, वेजिटेबल सूप, छाछ, दही, योगर्ट, पोहा, स्प्राउट्स, कच्चे फल, फलों का जूस, ओट्स, मुरमुरे, भेलपुरी आदि। फ्रेंड्स, स्नैक्स चीनी, नमक और मैदे से रहें सावधान। आमतौर पर सेहत के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा घातक मानी जाती हैं, चीनी, नमक और मैदा। चीनी और नमक का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, ज्यादा चीनी भी नुकसानदायक है और ज्यादा नमक भी। इसके अलावा मैदे से बनी चीजों का सेवन अगर संभव है तो बिल्कुल भी ना करें। मैदा आपके पेट और सेहत के लिए खराब होता है। ध्यान रखें कि बाजार से लाई गई पैकेट बंद चीजों में चीनी और नमक बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनका सेवन ज्यादा ठीक नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स तो इन दिनों में बिल्कुल छोड़ दें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, फूड डायरी बना सकते हैं आप। जो लोग अपने वजन या फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, वो लोग इन दिनों के लिए एक स्पेशल फूड डायरी बना सकते हैं। इस डायरी में वो हर वो चीज नोट करते रहिए जो आप खा रहे हैं। इससे शाम को जब आप अपनी डायरी में जरूरत से ज्यादा चीजें देखेंगे तो आपको गिल्ट महसूस होगा और आप अगले दिन कम खाने के लिए अपने दिमाग को तैयार कर पाएंगे। ये सिंपल सी साइकोलॉजी है कि काम करते हुए अक्सर हमें उसका एहसास नहीं होता है, जबकि बाद में हम उसी चीज को देखते हैं तो हम ज्यादा अच्छी तरह से विश्लेषण कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बने रहें आयुर्वेद गाइड चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें आज ही और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए।